तो ही गई आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यहाँ पे गई जैसे आप यहाँ पे पेटीएम के अंदर यूपीआई लाइट को एक्टिवेट करना चाह रहे होंगे, उसके अंदर न्यू अकाउंट ओपन करना चाह रहे होंगे ने, तो यहाँ पे गई आपका ओपन नहीं हो रहा होगा, आपके सामने कुछ इस तरह से प्रॉब्लम शो कर रहा होगा, इशू शो कर रहा होगा। जैसे कि गई यहाँ पे देख सकते हो तो लिखा हुआ यूपीआई लाइट इज नॉट सस्पेंड बाय एनी ऑफ योर लिंकेड बैंक अकाउंट। यहाँ पे गई देख सकते हो तो चेक सपोर्टेड बैंक लिस्ट, यानी गई यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से प्रॉब्लम शो कर रहा है। अगर आप गई यहाँ पे आप यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, उसके बाद ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो आपका गई यहाँ पे डायरेक्ट बैक हो जा रहा है, यहाँ पे आपका यूपीआई लाइट अंदर अकाउंट ओपन नहीं हो रहा है ने। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को ध्यान से देखना। आप अगर फिर से वही प्रोसेस करते हैं, फिर से बैक हो रहा है ने, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को ध्यान से देखना। इस वीडियो को देखने के बाद गई आपका यहाँ पे जो प्रॉब्लम शो हो रहा है ने, 100% वर्किंग ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे गई आपका सोल्व हो जाएगा। तो चलिए मैं पहले आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, पेटीएम को जाकर के अपडेट कर लेना। अपडेट करने के बाद गई आपको क्या करना है, पेटीएम पे 2 सेकंड क्लिक करना है, उसके बाद ऐप इन्फो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। तो आप गई यहाँ पे स्टोरेज यूजेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद गई यहाँ पे क्लियर कैचर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको मिनिमाइज कर लेना, मिनिमाइज करने के बाद फिर से आपको पेटीएम को ओपन कर लेना है। पेटीएम को ओपन करने के बाद गई यहाँ पे अब आपको क्या करना है, फिर से आपको गई सर्च बार में आना है। समझ रहे हो आप ना। और यहाँ पे गई यूपीआई लाइट या फिर गई आप लाइट भी यहाँ पे सर्च मार सकते हो, तो जैसे सर्च मारोगे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद गई अब आपको क्या करना है, यहाँ पे गई आपको स्क्रॉल डाउन कर तो नीचे आना है, और यहाँ पे ऐड ए न्यू बैंक अकाउंट का ऑप्शन हो रहा है, इस पर क्लिक कर देना। इस पर जैसे क्लिक करोगे ना, उसके बाद गई आपको यहाँ पे जिस भी बैंक अकाउंट में अकाउंट है उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मेरा SBI में अकाउंट है, इसलिए मैं SBI को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद गई यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे गई आपको शो हो जाएगा, जैसे कि गई यहाँ पे देख सकते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI यहाँ पे शो हो रहा है। तो आप गई आपको क्या करना है, फिर से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना, उसके बाद गई यहाँ पे आपको इसके अंदर 1 रुपया या फिर गई आप यहाँ पे 9000 तक के यहाँ पे इसके अंदर पैसे को ऐड कर सकते हो, कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। मिनिमम यहाँ पे 1 रुपया ऐड कर सकते हो, तो मैं आपको बताने के लिए गई यहाँ पे 1 रुपया फिलअप करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे ऐड मनी UPI पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद गई यहाँ पे जो MPIN है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना। तो यहाँ पे गई जैसे MPIN फिलअप करते हो ने, उसके बाद आपको गुड के निशान पे क्लिक कर देना। जैसे इस पे क्लिक करोगे पे गई आपका सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे गई 1 रुपया फिर गई 10 रुपया भी यहाँ पे फिलअप कर सकते हो, अगर आपका 1 रुपया ऐड नहीं हो रहा है तो। ये सिर्फ मैं आपको बताना चाह रहा था। उसके बाद गई यहाँ से अब आपको बैक आ जाना पे गई देख सकते हो UPI लाइट फैलने गई यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है, इसके अंदर बैलेंस ऐड हो चुका है। तो अब गई इसे आप कहीं भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे गई अगर आप 100 रुपये का शॉपिंग करते हो ने, तो UPI लाइट से पेमेंट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। अगर गई यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट वाला ऑप्शन ही नहीं शो हो रहा है ने, तो आपको गई क्या करना है, यहाँ पे कुछ समय वेट करना है। यहाँ पे गई जो UPI लाइट वाला जो फीचर है ना, कुछ ही बैंकों के अंदर आया है, जैसे कि गई यहाँ पे पंजाब हो गया, यहाँ पे SBI हो गया, यानी गई इन सभी कुछ बैंकों के अंदर ही ये ऑप्शन आया, और बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन सभी बैंकों के अंदर यहाँ पे ऑप्शन अभी नहीं आया, जल्दी इसके अंदर भी आ जाएगा। इसलिए गई आपको क्या करना है ने, कि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाकर के सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जैसे ही आता है ना वो ऑप्शन, मैं सबसे पहले वीडियो बना के आप तक प्रोवाइड करा दूंगा। अगर गई आप अभी तक बेल आइकन के घंटी को ऑल पे नहीं सिलेक्ट किया ने, तो जाकर के सिलेक्ट कर लो, ताकि सबसे पहले वो वीडियो देख करके फायदा उठा सको। तो फाइनली गाइस मैंने यहाँ पे आपको लाइव प्रूफ बता दिया है, तो आई होप आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड।